अप्रैल को जब ईवीएम की कतारों में खड़े होना मुरादाबाद वालों, तो ये मत भूलना कि एक शख्स, पगलाए हुए शख्स की सनक ने तुम्हें एटीएम की कतारों में लगने का तोहफा दिया था। 125 से ज्यादा मौतों का तोहफा दिया था इस मुल्क को एक पगलाए हुए तानाशाह की सनक ने, जो अपने आप को फकीर कहता है, जो अपने आप को फकीर कहता है और आजकल तो चौकीदार कहने लगा, सच्चाई का ठेकेदार लिखने लग गए, बौखलाहट न्यू सरे बाजार लिखने लग गए। एक नारे से हुकूमत इस कदर घबरा गई, चोर सारे खुद को चौकीदार लिखने, चौकीदार लिखने लग गए। मैं अलल ऐलान पिछले 4 साल 4.5 साल से उनसे कहता रहा हूँ, जो मुरादाबाद में पिछली बार लोकसभा के चुनाव में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा, यही बोले थे वो। और आज मैं यही ये शेर पढ़ रहा हूँ कि ये धुएं की लकीर मत बेचो यार, लफ्ज़े फकीर मत बेचो, मोदी जी आपसे गुजारिश है चाय बेचो जमीर मत, मत बेचो। पिछले 4.5 साल में मुझे समझाया गया कि चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, बोलना बंद कर दो वरना मार दिए जाओगे, कैद कर दिए जाओगे। आज जो कुछ बोलना है वो बावाज़े बुलंद बोलना है, अलग अलग बोलना है, दायरे में सिमट के के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया, काले धन की बातें करके आंख से काजल चुरा ले गया, खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया, काले धन की बातें करके आंख से काजल चुरा ले गया, जिधर